थेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि इस थ्योरी के पीछे कुछ थेसिस है, जैसे चार थेसिस हैं टोटल। पहला है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या कहता है कि जब भी आप कोई एक्शन डिसाइड कर रहे हो, लाइक आपको लेना है, अगर आपने ये सोचा है कि आपको कोई एक्शन लेना है, तो उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंस को आप देखो कि उसका रिपरकशंस क्या होगा, और अगर उसका रिपरकशन सही हो रहा है तो आप उस एक्शन को लो, और उसका अगर रिपरकशंस गलत हो रहा है तो उस एक्शन को आप मत लो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कि अगर कोई एक्शन राइट है तो वो डिपेंड करता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस कैसा है। अगर कॉन्सिक्वेंस सही है तो वो एक्शन सही है, अगर कॉन्सिक्वेंस उसका गलत है तो वो एक्शन गलत है। कॉन्सिक्वेंशियल का एक एग्जाम्पल भी देते हैं। मान लो एक कंपनी है जो कि कन्वर्ट होना चाहती है मैनुअल से ऑटोमेटिक पे, ठीक है। तो अब वो जब कन्वर्ट होना चाहती है तो इसका दो साइड है, अगेन दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। लाइक पहले अगर मान लो 1,000 पीसेज बनते थे मैनुअली, तो अब ऑटोमेटिक हो जाएगा तो 5,000 पीसेज बनेंगे। तो ये पहला इसका बेनिफिट होगा। दूसरा इसका डीमेरिट क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बिकॉज ज़्यादा लोग तो अब रिक्वायर्ड नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी आ गई तो अब चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, तो अब लोग का रिक्वायरमेंट तो कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो ये इसका डीमेरिट है। तो अब एक ही डिसीजन का दो कॉन्सिक्वेंस अगेन है, एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस है, एक गलत कॉन्सिक्वेंस है, बट आप डिसाइड करोगे कि अच्छा कौन सा है और गलत कौन सा है, ठीक है। तो राइटनेस ऑफ दैट एक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कि क्या कॉन्सिक्वेंस है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपने अपने एक्शन को सही लिया है या गलत लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये थ्योरी यूज़ करना है और फिर डिसाइड करना है कि कौन सा एक्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है हेडोनिज्म। अब हेडोनिज्म जो है ये बेसिकली ये कहता है कि इंसान का जो बिहेवियर है वो गवर्न किया जाता है उसके डिज़ायर से। कुछ डिज़ायर है तो हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। लाइक अगर हमको मान लो कि एक महीने में हमको फ़ोन लेना है, तो उसके लिए वो मेरा डिज़ायर है फ़ोन लेना। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। मतलब मेरा एक डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि आपका जो डिज़ायर है उस हिसाब से आप बिहेव करते हो, और इससे पता चलता है ये कि आपका जो डिसीजन है वो आपको प्लेजर ज़्यादा दे रहा है और पेन कम दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी आपका डिसीजन होना चाहिए, जो भी आपका एक्शन होना चाहिए आपको आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, वो आपको प्लेजर ज़्यादा देना चाहिए और पेन कम देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, लाइक कंपनी मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ जा रही है, तो ऑटोमेटिक होने पे लोगों को प्लेजर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डबल सैलरी मिलेगी। अब जो भी लोग अपॉइंट होंगे उनको सैलरी डबल मिलेगी, बिकॉज उनका प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगा, तो सैलरी उनको ज़्यादा मिलेगी। और पेन क्या है कि बहुत सारे लोग अपना जॉब लूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे पेन भी है और प्लेजर भी है, बट इसमें आपको देखना है कि प्लेजर ज़्यादा है या पेन कम है। अगर आपको वो करने से प्लेजर ज़्यादा मिल रहा है तो आप उसको करोगे ऑब्वियसली, और अगर आपको उस डिसीजन लेने से पेन ज़्यादा मिल रहा है तो आप उसको नहीं करोगे, बिकॉज आपके हिसाब से वो रॉन्ग डिसीजन होगा। तो ये हेडोनिज्म कहता है। फिर है मैक्सिमलिज्म। मैक्सिमलिज्म क्या कहता है कि कोई भी एक्शन को अगर आप ले रहे हो तो वो एक्शन सही है या गलत है वो डिपेंड करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, ठीक है। अगर उसका कॉन्सिक्वेंसेस सही है तो उसका वो एक्शन जो है वो गुड होगा, अगर कॉन्सिक्वेंसेस ही गलत है तो यानी कि वो एक्शन जो है वो गुड नहीं है, यानी कि वो बैड एक्शन है, ठीक है। तो ये थ्योरी बस इतना, सॉरी ये थेसिस बस इतना कहता है कि आपको दोनों ही को कंसिडर करना है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस को भी और गुड कॉन्सिक्वेंसेस को भी। लाइक अभी जो हमने एग्जांपल देखा ऑटोमेशन और मैनुअल वाले चीज़ में जो कंपनी कर रही है, तो उसमें हमने क्या देखा, दोनों ही चीज़ें देखी, अच्छी कॉन्सिक्वेंस भी और बैड भी, बैड भी। क्यों? क्योंकि दोनों को कंसिडर करेंगे तब तो हम उसको वे कर पाएंगे ना कि प्लेजर कौन जितना कितना दे रहा है और पेन कौन कितना दे रहा है। बट अगर हम सिर्फ इतना देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट सब लोगों को जनरेट हो जाएगा, या फिर हम इतना देखेंगे कि सैलरी सबकी डबल हो जाएगी, सिर्फ इतने इस बेसिस पे हम लोगों को वो एक्शन ले लेंगे या फिर वो डिसीजन ले लेंगे, तो वो तो गलत बात है, बिकॉज हमको दोनों ही साइड के कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है, अच्छा और ख़राब, ठीक है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। और लास्ट है इसका यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म क्या कहता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा उस डिसीजन को या उस एक्शंस को लेने के बाद, वो
सारे लोगों को फेस करना होगा, लाइक जितने लोग हैं एवरीबडी विल हैव टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, अगर वो डिसीजन ले लिया गया, चाहे वो राइट डिसीजन हो तो लोग अच्छा फेस करेंगे, अच्छी चीज़ें, अगर रॉन्ग डिसीजन है तो लोग गलत चीज़ें फेस करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा डिसीजन है, और जो भी रहेगा उसका कॉन्सिक्वेंस सबको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अभी हमने जो एग्जांपल देखा, जब गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने राजगीर में शोरूम खोलने का सोचा, तो उन्होंने अब क्या डिसाइड किया कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम शोरूम नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इसका कॉन्सिक्वेंस किन लोगों को भुगतना पड़ेगा, वो पूरे लोग जो उस एरिया में रह रहे हैं, जो उस जगह पर रह रहे हैं, तो क्लाइमेटिक चेंज देखेंगे वो, तो उनको सारा प्रॉब्लम्स भुगतना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स टैकल करना पड़ेगा या प्रॉब्लम्स के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट में तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। आप इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आप क्लाइमेट को इतना डिस्टर्ब कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो सब लोगों को फेस करना पड़ेगा। अब ये डिसीजन वो ले भी सकते थे, वो नहीं भी ले सकते थे, हो सकता है कि कोई दूसरा गवर्नमेंट, लाइक कोई दूसरा बंदा होता तो वो डिसीजन ले लेता कि ठीक है हम करेंगे, बिकॉज उसमें पैसा बहुत है, प्रॉफिट बहुत है, फ़ायदा बहुत होगा, तो मे बी वो डिसीजन ले लेता। बट यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो सबको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए यूनिवर्सलिज्म प्रिंसिपल थ्योरी जो है, या थेसिस जो है, वो कहता है कि कॉन्सिक्वेंस अगर जब हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ख़राब, वो सबको फेस करना पड़ेगा, हर एक लोगों को, ठीक है। अब लास्ट जो है वो हम वर्जन्स पे आते हैं, कि वर्जन्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, वर्जन्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला वर्जन होता है इसका एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। ये क्या कहता है कि एक्ट इज़ एथिकल वेन इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू मेजॉरिटी, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो, तो वो एथिकल तभी माना जाएगा जब आप मेजॉरिटी को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। या फिर अगर कोई कंपनी के एक्ट को एथिकल तभी माना जाएगा जब वो कंपनी मेजॉरिटी को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी, यानी कि प्लेजर ज़्यादा देगी, प्लेजर ज़्यादा होगा और पेन कम होगा, तब उस केस में ये जो है एक्ट जो है वो राइट माना जाएगा, ठीक है, या एथिकल माना जाएगा। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझो, एक डॉक्टर है और कोविड का टाइम है, तो डॉक्टर ने दवा बनाया और उसने टेस्ट करा, दवा को बना के उसने दो बंदों पे टेस्ट करा, ठीक है। अब उस दवा में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, दवा में कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट कर रहा था वो, ठीक है, डॉक्टर उसने फाइनलाइज नहीं किया था, तो ये बस इन दोनों लोगों पे टेस्ट कर रहा था, इसमें कुछ प्रॉब्लम आया दवा में, और ये दोनों मरीज जो हैं, यानी कि ये जो दोनों पेशेंट्स हैं, ये बीमार हो गए, या फिर इनका हेल्थ ख़राब हो गया, बैड हेल्थ, ठीक है। और उसके बाद उसने वो चेंजेस किए, लाइक उसने देखा कि हाँ दवा में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं कि ये बेटर हो जाए, और फिर उसने दोबारा से मेडिसिन बनाया और फिर ये लोगों को दिया, ठीक है, मान लो 50 लोगों को दिया जो भी इनको भी कोविड था, वो बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है, लाइक गुड हेल्थ हो गया उनका, बहुत ठीक हो गए। तो यहाँ पे देखो, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि आपने एक ऐसा एक्ट किया जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हुआ, मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई हुए, तो मैक्सिमम लोगों को प्लेजर मिला, पेन कम मिला, तो इस वजह से ये एक्ट जो है आपका एथिकल है, ठीक है। भले ही दो लोगों का आपने तबीयत ख़राब कर दिया या दो लोगों की जान चली गई, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर मैक्सिमम लोग उससे खुश हैं, मैक्सिमम लोग आपके इस एक्शन से खुश हैं क्योंकि उन लोगों को प्लेजर मिल रहा है, उन लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो इस केस में ये एक एथिकल एक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपने जो एक्ट किया वो एथिकल है, ठीक है। वहीं पे अब अगर हम बात करें रूल यूटिलिटेरियनिज्म का, तो रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि देखो, रूल जो बनाए जाते हैं वो सब लोगों के लिए क्यों बनाए जाते हैं, ताकि उससे उनको बेनिफिट मिले। रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों के को उस रूल से बेनिफिट मिले। एक बंदे के लिए तो रूल बनाया नहीं जाता है, मैक्सिमम लोगों के लिए ही बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या कम्युनिटी के लिए गाइडलाइंस होते हैं वो रूल्स, जो कि सबको फॉलो करना होता है। तो ये जो थ्योरी है या वर्जन है यूटिलिटेरियनिज्म का, रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ये कहता है कि अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो,
तो आप एथिकल काम कर रहे हो, ठीक है? अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो तो आप एथिकल काम कर रहे हो, अगर आप रूल सॉरी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अनएथिकल काम कर रहे हो, ठीक है? अगर आप कोई रूल को फॉलो कर रहे हो तो आप एथिकल कर रहे हो, अगर आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अनएथिकल कर रहे हो। नो डज नॉट मैटर कि आपने क्यों नहीं फॉलो किया, वो मैटर नहीं करता, बट अगर आपने नहीं किया वो अनएथिकल है, ठीक है? अब जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल समझो, एक बंदा है वो जा रहा है कार से और उसने देखा कि रेड लाइट लगी, ठीक है, मतलब रेड लाइट हो गया, तो रेड लाइट हो गया तो वो रुक गया, तो उसने एक रूल को फॉलो किया, यानी कि यहाँ पे वो एथिकल काम कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो एथिकल हो गया। बट आगे चल के उसने क्या किया कि एक बंदे को जाके उसको धक्का दे दिया अपने कार से, ठीक है, मतलब टकरा गया उसका कार दूसरे बंदे के कार से। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसने रूल फॉलो नहीं किया और ये गलती से हुआ, वो डज नॉट मैटर, बट लग गया अगर धक्का तो वो अनएथिकल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने रूल फॉलो किया तो आप एथिकल काम कर रहे हो, अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो वो आप अनएथिकल काम कर रहे हो। यही कहता है ये रूल यूटिलिटेरियनिज्म। उसके अलावा एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, ये मैंने बस आपको अच्छे से समझा दिया है, इसको कैसे लिखना है और कैसे इसमें एग्जाम्पल्स आपको फ्रेम करने हैं वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम था आप लोगों को अच्छे से समझा देना, तो मैंने इसको समझा दिया, इवन विथ एग्जाम्पल्स भी मैंने समझा दिया। अगर और आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, कोई डाउट है इस टॉपिक में, कॉन्सेप्ट में, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको इसको और भी एग्जाम्पल्स कमेंट में मेंशन कर दूँ ताकि आप उससे क्लियर हो जाओ कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है? और अगर थेसिस या वर्जन्स या फिर इसके मेरिट्स डीमेरिट्स या डेफिनेशन में किस तरीके का डाउट है तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, ओके? आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी के बारे में। थैंक यू।